सिल टीवी पर हम आपको पंचायत चुनाव के सारे अपडेट दिखाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में गांवों में हुए सभी विकास कार्य से आपको रूबरू करवाते हैं, ग्रामीण जनता की सभी बातों को आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं मुझे सिल्क टीवी पर। अभी मैं मौजूद हूं जगदीशपुर प्रखंड के सैनो पंचायत में और यहां मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए यहाँ के वर्तमान मुखिया भैरव यादव। इनसे बात करेंगे, ये पिछले दो कार्यकाल से यहाँ के मुखिया रह चुके हैं, इस बार भी इन्होंने नॉमिनेशन करवाया है और जीत के प्रबल दावेदार हैं। इनसे बात करेंगे कि पिछले 10 साल में इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किया, इस बार चुनाव कौन से मुद्दे पर ये लड़ रहे हैं और आने वाले समय में समाज को ये विकास के तौर पर क्या क्या सौगात देंगे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले भैरव जी, स्वागत है आपका सिल्क टीवी में। मैं जनता का जो भी कार्य, शादी ब्याह, खेती गृहस्थी, बीमारी, मनरेगा, सात निश्चय, सबका मैं काम किया हूँ। मुझे जनता पे पूरा विश्वास है कि भैरव यादव को लोग भूलेगा नहीं और मुझे जो भी काम किया हूँ आज तक किसी से झूठा वादा नहीं किया हूँ। जो भी मैं काम किया हूँ वो सच किया हूँ। जितना हमसे चला मैं सब सही किया हूँ। किसान और कच्चे पंचायत का जो भी शादी ब्याह, मरनी हरनी, दान पुण्य, मैं धर्म का काम, जाति का काम, मैं हिंदू मुस्लिम का भी कोई राजनीतिक में जो जहाँ मैं संपर्क हुआ वहाँ काम किया हूँ। जो आज मैं एक भी कोई पंचायत में बोल दे कि भैरव यादव किसी से 10 साल के रीजन में 5 रुपया लिया है, दस्तखत कर जब आता है मेरे घर पे करने, दस कोई भी काम के लिए मैं उसका खुल के दस्तखत करता हूँ और मुझे समाज पे पूरा भरोसा है समाज मुझे मदद करेगा, या वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि भैरव यादव को पूरा सहयोग करेगा। हम जनता की राय भी अपने चैनल में दिखाते हैं, क्या विकास कार्य हुआ ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में, ये सभी जनता बताती है और हम जनता के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं। आपने बताया सात निश्चय योजना, गली गली, जल नल, इन सभी योजनाओं पर, सरकारी योजनाओं पर आपने काम किया। इसके अलावा आपने बोला मरनी हरनी, शादी, मतलब इन सब जगहों पर आपने अपने तरीके से मदद किया, अपने तरफ से सहयोग किया, तो इस बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जो भी गरीब गुरबा का शादी होता है मैं सबको सहयोग करता हूँ, मरनी हरनी में भी पूरा सहयोग करता हूँ और मैं अपने व्यक्तिगत से जो उचित बुझाता है कि मुखिया जी ये काम कर दीजिए, मैं तुरंत करता हूँ। जब हमको जो पब्लिक जब बोला 12 बजे रात में, 7 बजे दिन में, 8 बजे दिन में, हम घर में कभी नुका के भैरव यादव नहीं रुकता है, मुखिया जी दस्तखत करिए, तुरंत 1 मिनट में दस्तखत। कोई चीज़ में भी मैं BDO साहब से हरदम इसके लिए प्रयास करता हूँ। अभी जो वृद्धा पेंशन है जिसका उम्र हो गया है 60 साल, 65 साल, 70, 78 साल, उसका भी वृद्धा पेंशन कट गया, 347 आदमी को काट दिया सदर पंचायत में। यदि पब्लिक का सहयोग मिल गया, मुझे आशीर्वाद मिला, तो जितना भी वृद्धा पेंशन कटा हुआ है मैं सबका कार्य करवा दूंगा और भैरव यादव किसी भी गरीब और गुरबा से, चाहे वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, कन्या विवाह हो, 5 रुपया हम किसी से लिए नहीं हैं। यदि कोई आदमी बोल दे कि मुखिया जी 5 रुपया, पता कर लीजिएगा, कहीं 5 रुपया का नाम बोल देगा तो मुखिया से रिजाइन कर देंगे कोई भी दस्तखत में। और मैं आपको पक्का वादा करता हूँ कि अबरी बार जितना भी वृद्धा पेंशन कटा हुआ है, यदि पब्लिक मालिक का आशीर्वाद मिल गया, तो जितना 346 वृद्धा पेंशन कटा हुआ है सबका मैं काम करवा दूंगा। सैनो पंचायत में आप लगातार 2 रीजन मुखिया रह चुके हैं, तो ये तीसरी बारी है आपकी और इस बार भी आपकी प्रबल दावेदारी है, तो 10 साल का समय बहुत होता है, 10 साल का वक्त विकास करने के लिए काफ़ी होता है। आप हमने अपने कार्यकाल के समय की कुछ ऐसे विकास कार्यों के बारे में अपने दर्शकों को बताएं जो आपके कार्यकाल में हुआ, जो आपने करवाया, किसी पुस्तकालय, किसी तालाब, किसी सड़क का कुछ ऐसा निर्माण जो आपकी जनता उम्मीद भी नहीं कर रही थी और वो सौगात अपने जनता को दिया, ऐसा कुछ बताएं आप। मैं राजपूत टोला में जितना भी गली गली सब में मनरेगा से काम करवा दिया हूँ और राधा कृष्ण मंदिर में
अम्बेडकर चौपाल बनवा दिया हूँ, गली नली में रोड पुल पुलिया का तो ठिकाने, भागलपुर जिला में मंडेगांव में सबसे प्रथम स्थान है भैरव यादव का। आप पता कर लीजिएगा कि नेट पे जितना काम है मिट्टी का और पुल का करवाया हूँ, पूरा 252 के कारण पंचायत भागलपुर जिला में उतना कोई पंचायत करवे भी नहीं किया है। यदि कोई करवा बोल देगा कि करवाए, जाकर चलिए कोई मुखिया से, मैं 2-3 करोड़ रुपये काम तो अगला साल करवाया, थोड़ा सा कोरोना काल में काम जो करवाना चाहते थे वो नहीं करवा सके, कोरोना के चलते बहुत पंचायत डिस्टर्ब हुआ और सरकार भी डिस्टर्ब हो गया कोरोना के चलते। यदि कोरोना का यदि फेरने लगता ना तो बिहार पंचायत को समाचार जो छुटा हुआ काम या कोई नहीं बचता, लेकिन कोरोना के चलते काम रुक गया है। मैं अपने आप माध्यम से आपको कहता हूँ कि यदि पब्लिक का सहयोग मिल गया, जितना भी वृद्धा पेंशन कटा हुआ है मैं सबको जोड़वा दूंगा, इंदिरा आवास पूरा फुल करवा दूंगा, सबका लिस्ट बनवा दिए थे। अगर इंदिरा आवास 400 घर बनवा दिए थे, जो कि जो था मेरा आवास सहायक उसने इस लिस्ट पे लिख दिया था कि 5 एकड़ ज़मीन और अदर घर, 14 पंचायत में इंदिरा आवास मिला, 17 पंचायत में इंदिरा आवास को रोक के चला गया। मैं DDC से मिला और DDC साहब बोले कि मुखिया जी आप अभी तो इसमें हैं कि कैसे आचार संहिता लग गया है, और आपके सहयोग से यदि आप मुखिया बनिएगा तो सबको बंटवा दीजिएगा, तो जो नया मुखिया बनेगा वो करवाएगा। तो मैं बोले ठीक है सर, यदि आप आचार संहिता में आचार संहिता के बाद कहिए सर जो गरीब के पास 5 कट्ठा ज़मीन है नहीं है उसका उसको 5 एकड़ ज़मीन लिख दिया है, तो सर अपने स्तर से जाँच किया जाए, और जो कि पदाधिकारी जो 5 एकड़ ज़मीन लिखा हुआ है अदर घर किया हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। देखिए जैसा आपने भी बताया कि कोरोना काल में काम ठप पड़ गया, ये बात है, पूरे देश बंद था तो इस दौरान तो कहीं ना कहीं विकास कार्य ठप पड़ा, आर्थिक मंदी भी आई, पर समाज सेवक के लिए या जनप्रतिनिधि के लिए यदि बात करें मुखिया जी, तो जनता का सेवा करने का एक अवसर था कोरोना। जो समाज सेवक हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं कोरोना काल में, उन्होंने बहुत सेवा किया अपने जनता का, तो क्या मैं आपके जनता से तो हमने बात किया, उन्होंने जो बताया वो जाना ही हमने, पर आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या कोरोना काल के दौरान आपने किस तरीके से अपने पंचायत वासियों का या अपने जनता का मदद किया? नीतीश कुमार के राज में आप जानते करते हैं पदाधिकारी कितना बड़ा मन भरा है, और एक भी मुखिया पदाधिकारी से लगता नहीं है, बात नहीं करता, बिना पैसा का कोई काम होता नहीं। इंदिरा आवास करवाइएगा 20,000 दीजिए। इंदिरा आवास के नाम पे मुखिया जी सबसे जो इंदिरा आवास के नाम पे से वो सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। पूरे करीब हम 25-30 प्रखंड घूमे, 25-30 पंचायत घूमे, लगभग हर पंचायत का ये सीन है मुखिया जी कि जो गरीब को 10,000 रुपया नहीं है उस गरीब से भी 20,000 रुपया इंदिरा आवास के नाम पे ले लिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे। आपके पंचायत में क्या आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे आदमी को आवास दिलाई, ये बात देखे भी हम, सबसे ज़्यादा इंदिरा आवास आपके क्षेत्र में मिला है, लेकिन क्या इसमें कहीं लूट खसोट भी मचा है? भयंकर लूट खसोट मचा है, पूरा लूट खसोट। कोई गरीब को इंदिरा आवास मिला है हम लोग उसको पास करवाते थे, कोई दलाल जाके लिख के दे देता था हमारा नाम है गज्जू यादव और पिता है भोला यादव, उसको लगा दिया उसको जलधर यादव का, उसका नेट में काम नहीं मिल रहा है, उसका जब नेट में काम नहीं मिल रहा है तो मुखिया जी इसमें तो खर्चा लगेगा, हम तो पैसा देंगे नहीं, हमको देना भी नहीं है न इंदिरा आवास करवाना है। तो लड़ते झगड़ते जितना भी अभी कोई भी मुखिया बने उससे हमको हम लोग को कोई मतलब नहीं है कि भैरव यादव मुखिया बने, हमको मुखिया का उतना बड़ा शौक नहीं है, लेकिन सरकार को मुखिया के द्वारा उसको इंदिरा आवास दिया जाए, जो ग्राम सभा में पास करवा के डायरेक्ट मुखिया उसको इंदिरा आवास देगा उसको कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि अब आवास सहायक उसको 0 टैकिंग करता है, आवास सहायक करता है 0 टैकिंग, और उसमें अब सबसे गरीब से 5,500 रुपया लीजिए, हम लोग तो उसको दिलवा नहीं सकते पैसा 5,500 रुपया, हमसे पड़ता नहीं है, हम किसी आदमी से घूस दिलवाएंगे नहीं। चलिए, आपके कहने का मतलब है कि जनप्रतिनिधि के तौर पर नहीं, आपके तरफ से नहीं, पर सरकारी अधिकारी के तरफ से सरकारी ऑफिस में कहीं ना कहीं खानापूर्ति या फिर घोटाला हुआ है। इतना बड़ा घोटाला हुआ है। हम तो यदि अगली बार मालिक यदि हमको आशीर्वाद दे दिया इंदिरा आवास में 1 पैसा घूस लेने नहीं देंगे, चाहे उप पदाधिकारी जो भी जमीन काम करवाएंगे, चाहे इंदिरा आवास उस सही आदमी को दे और आवास सहायक को उस सही आवास सहायक दे। आवास सहायक वीडियो का बात नहीं मानता, क्या बताएं, मैं सब ऊपर से हैंडल होता,
मतलब लूट खसोट इस तरीके का है कि सरकारी पदाधिकारी लूट के अपना पॉकेट भरने में लगे हुए हैं। अच्छा, ये सब तो था मुखिया जी विकास का बात मुद्दा। अब ये होगा कि इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या कह के वोटरों से अपने अपील कर रहे हैं वोट देने का, मुद्दा क्या है? विकास के नाम पे हमको वोट दें, मैं विकास करवाऊंगा। जो छुटा वो बड़ा इंदिरा आवास गरीब गुरबा का है उसको दिलवाएंगे, और पहले घुसखोरी को बंद करवाएंगे, भ्रष्टाचार को बंद करवाएंगे, और मैं श्रवण कुमार जो ग्रामीण विकास मंत्री है उससे जाके मिलेंगे, और जो भी पदाधिकारी हमारा बात नहीं मानेगा उसको पहले ऊपर में जाकर पहले कहेंगे ये गरीब का इंदिरा आवास है, पैसा आप इंदिरा आवास में नहीं लीजिए, और लीजिएगा तो आपका खैर नहीं है। इस तरह ऊपर से मिलेगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग तो कोई दस्तखत भी नहीं करेंगे। जो गरीब को जमीन को इंदिरा आवास देंगे, अब मंत्री जी से मिलेंगे, अब मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। यदि मालिक का आशीर्वाद मिल गया तो अगली बार पब्लिक का पूरा कल्याण करवाएंगे। जो अभी गरीब छुटा हुआ इंदिरा आवास में, वृद्धा पेंशन कट गया है, मैं सभी का वृद्धा पेंशन करवा दूंगा, इंदिरा आवास भी पूरा सबको दिलवा दूंगा। इंदिरा आवास में पूरे बिहार में एक तरीके की लूट मची हुई है, पूरे हर पंचायत में चले जाएं आप, हर किसी भी प्रखंड में चले जाएं आप, इंदिरा आवास के नाम पे उन गरीबों से पैसा ऐठा जा रहा है जिनके पास छप्पर नहीं है, जिनके पास पक्की मकान तो दूर, रहने के लिए छप्पर का मकान नहीं है, उनसे भी 25,000-25,000 रुपये ऐठा जा रहा है पक्की मकान देने के नाम पे। मैं कहना चाहूँगा कि यदि इस प्रकार से गरीबों का उत्थान करने की सरकार सोच रही है तो ये बिल्कुल विफल प्रक्रिया है, एकदम सरकार अपने इस योजना में फेल हो रही है। हाँ, जिस प्रकार से मुखिया द्वारा या फिर किसी अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा समाज सेवा में काम किया जाता है, विकास किया जाता है, इस प्रकार से यदि जिस प्रकार से मुखिया जी बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाया जाए, लगातार विकास किया जाए, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पर भी कुछ ना कुछ तरक्की देखने को मिलती है। पर यदि सरकारी अधिकारी भ्रष्ट निकल जाए तो इन चीज़ों में ये एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर सामने आती है। हमारे साथ थे सैनो पंचायत के वर्तमान मुखिया और भावी प्रत्याशी, इस बार इनको ऑटो छाप मिला है, देखते हैं कि आगे चुनाव में मतदाताओं का क्या मूड होता है। हमारे साथ बने रहिए सिल टीवी पर, हम लगातार आपको चुनावी प्रक्रिया की, चुनाव की और ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे विकास की सारे अपडेट देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ मैं सत्यम, धन्यवाद।